नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद की 50,000 रुपए की इनामिया पत्नी शाइस्ता परवीन कहाँ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ना ही 5,00,000 रुपए के इनामिया आरोपियों का पता 180 दिन बाद भी लग पाया है। वहीं अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, उसकी बहन आयशा नूरी भी भूमिगत है। पुलिस लाखों खर्च कर लगातार सिर्फ लकीर पीट रही, लेकिन इसका पता नहीं चल पाया। देखिए रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की इद्दत की मियाद भी पूरी हो चुकी है। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक इद्दत के वक्त किसी भी महिला के पति की मौत के बाद 4 महीने 10 दिन तक वो विधवा महिला एकांत में रहती है। इद्दत के वक्त विधवा महिला महिलाओं को छोड़कर किसी से भी नहीं मिल सकती। विधवा को बस अपने भाई और बेटे से ही मिलने की इजाजत दी जाती है। विधवा महिलाएं ऐसे कमरे में रहती हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती है। ऐसे वक्त में ना तो महिला फोन का इस्तेमाल कर सकती है और ना ही किसी गैर पुरुष से बातचीत कर सकती है। इसे शौहर के इंतकाल के बाद काफी अहम माना जाता है। अब इसकी मियाद पूरी होने पर पुलिस ने शाइस्ता और जैनब फातिमा के अलावा आयशा नूरी की तलाश भी तेज कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कभी हटवा मारियाडी गांव में दबिश दे रही है, कभी जिले और कभी जिले के बाहर, लेकिन ना तो 50,000 रुपए की इनामिया शाइस्ता परवीन हाथ लगी, ना अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। वहीं आयशा नूरी के साथ 5,00,000 रुपए के इनामिया गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के साथ गुलाम भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। अब इन्हें आसमान खा गया या जमीन निगल गई। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी का जो प्लान अब बनाया है, उससे लगता है कि फरार आरोपी जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। शहर भर में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस ने निगरानी तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस ने फरार चल रहे छोटे और बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए नई योजना तैयार की है। डीसीपी ट्रैफिक अभिनव त्यागी के मुताबिक इस योजना के तहत पुलिस 5,000 हाईटेक एचडी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर फरार चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरे में AI डेवलप किया गया है। AI का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से लैस है। इसमें अपराधियों की तस्वीरें तक अपलोड कर दी गई हैं। उनसे मिलते जुलते अगर अपराधी इस कैमरे के इर्द गिर्द नजर आए या कैमरे की रेंज में आए तो पुलिस के पास हाई अलर्ट मैसेज तत्काल पहुंच जाएगा। हालांकि पुलिस ने उन जगहों पर भी इस हाईटेक कैमरे को लगाया जहां फरार चल रहे अपराधी और माफिया अतीक अहमद से संबंधित अपराधियों का मूवमेंट अधिक रहता है। ये मैसेज पुलिस के उन मोबाइल पर भी जाएगा जहां पर इस कैमरों की कनेक्टिविटी की गई होगी। पुलिस मान रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए फरार चल रहे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सबसे ज्यादा पुलिस ने माफिया ब्रदर्स के संबंधित क्षेत्रों में इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया है। अब देखना होगा कि कब शाइस्ता परवीन पुलिस के हत्थे चढ़ती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।